देखिए, जो आप बता रहे हैं कि जो एक्शन का रिएक्शन में, तो रिएक्शन पुलिस की तरफ से समझिए ना कि तुरंत एक्शन लिया गया, तो आपको जो जाम लगाने का प्रयास किया गया, बस प्रयास भर का रह गया और कोई जाम लगाने नहीं दिया, एक्शन लिया और रेस्पॉन्ड किया, नौ लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसलिए तो ये सब तो पुलिस का इलेक्शन ही है। और शाम के जो अपने साथियों को छुड़ाने की जो घटना उन्होंने किया है, तो प्रयास किया है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो वहां पर पथराव में कुछ कुथतपूर्ण घटना घट गई है, अदरवाइज रेस्पॉन्स अभी भी हमेशा क्विकली करते हैं। प्रदेश में मॉब लिंचिंग तो हम लोगों ने सुना था, लेकिन अब इसका जो दायरा है वो पुलिस तक आ गया, क्या कहना है? सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये मॉब लिंचिंग से जोड़कर न देखा जाए कि पथराव हुआ और पथराव में जो सर पर चोट लगी, इसको मॉब लिंचिंग आप नहीं मानते? नहीं, वो अलग श्रेणी के अपराध होते हैं। ये जो पथराव में जो एक पत्थर लगाया, सबको चिन्हित किया गया, सर भीड़ ही तो है, देखिए उनके पीछे छुपे हुए उपद्रवी तत्व कुछ हैं, उन्होंने पथराव शुरू किया, उन्हीं के दोष हम मानते हैं। और जैसे कि FIR आपको कॉपी दी गई होगी, आप मिल जाएंगे, जिसमें FIR में तो 32 नामजद अपराधी हैं और बाकी 70 लोग हैं, उनके द्वारा घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में इसको मैं मान रहा हूँ। ये हमारे एक साथी को खोने का बहुत दुख है, लेकिन साथ साथ हमको एक जरूरी है कि पुलिस में ऐसे लोग भी हमारे साथी हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस करने में भी पीछे नहीं हटते हैं और सदैव जनता के हित में काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे साथ रामक स्वामी का कहना था कि उनके साथी से जाने का उनको दुख है, लेकिन जो अपराधी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी गाजीपुर टोजोल राय के लिए। किस तरह से